धर्म को लेकर जहां पूरे देश में एक अलग ही माहौल बना हुआ है, हर बात बड़ी सोच समझ कर की जाने की जरूरत वाले दौर में एक शिक्षिका ही ऐसी टिप्पणी कर बैठेगी, ये समझ से परे हो जाता है। जहां शिक्षकों के कंधे पर उचित मार्गदर्शन सही शिक्षा के साथ बच्चों का भविष्य बनाने की जिम्मेदारी है, वहीं धार्मिक मान्यताओं या भगवान पर उल जुलूल टिप्पणी करे कोई तो गलत संदेश जाता है। ऐसा किया उदयपुर के एक निजी स्कूल की शिक्षिका ने। स्कूल का नाम है द यूनिवर्सल स्कूल और यहाँ पढ़ाने वाली बोहरा समुदाय से आने वाली एक शिक्षिका ने भगवान के अस्तित्व पर बहस छेड़ दी कि भगवान को किसी ने देखा है क्या, साथ ही ये भी कि तुम तो पत्थर को लाल रंग पोत कर उसको हनुमान जी का नाम दे देते हो, जैसे कई सवाल और अनर्गल बातें बच्चों के बीच कह डाली। जाहिर सी बात है ऐसी बातें आग की तरह फैलती हैं और हुआ भी यही। जब बच्चों ने घर जाकर अभिभावकों को ये सब बताया तो उनका आक्रोश उस टीचर और स्कूल प्रबंधन के खिलाफ फूट पड़ा। हिंदू संगठनों तक बात पहुंची तो सभी ने वहां जाकर अपना विरोध प्रदर्शन किया, कड़ी प्रतिक्रिया जताई, स्कूल से उस टीचर को हटाने की मांग की, साथ ही साथ स्कूल की मान्यता तक रद्द करने की मांग की है। इस पूरे मामले पर सभी ने प्रिंसिपल से बात की तो उनका जवाब था कि वैसे तो टीचर ने ऐसी कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है, लेकिन फिर भी स्कूल प्रबंधन ने एहतियातन स्कूल टीचर को कार्य मुक्त कर दिया है। मेरे 3 बच्चे यहाँ पढ़ते हैं, एक तो अभी 10वीं पास करके निकल गए हैं और 2 यहीं पढ़ रहे हैं। बच्चों को तिलक लगाने के लिए मना किया जाता है, बच्चे रुद्राक्ष की माला लच्छा कुछ बांध के आते हैं तो खुलवा दिया जाता है, और हिंदू धर्म की शिक्षा को छोड़कर मुस्लिम धर्म की शिक्षा दी जाती है, त्रिमंत्र इनको नहीं पढ़ाया जाता है। इवन यहाँ पर कि अपने भारत का जो संविधान है, संविधान के अपोजिट पढ़ाया जाता पूरा। जैसे अपन कुछ दूसरा कुछ जो अपना सिलेबस है, सिलेबस को छोड़ के उसके खिलाफ में कुछ पढ़ाया जाता है, पता ही नहीं क्या पढ़ा रहे राम जाने। अब जैसे अभी स्कूल का सिलेबस था 5वीं का, तो 5वीं में ये लीड वगैरह पढ़ा दिया, पढ़े का कुछ है नहीं, बस इनको वरा समाज को घुसा रखा है पूरा, और वही पढ़ाते हैं उनको, कोई न तो कुछ लिखना आता है, स को च च को स बोलते हैं, कुछ समझ भी नहीं आता है, बच्चों को भी लिखाना नहीं, बच्चों को भी लिखवाना नहीं सिखा रहे कि क्या है, उनको खुद को पता नहीं है, दूसरों को क्या पढ़ाएंगे वो। बस कि आज हमारे शिक्षा का मंदिर यूनिवर्सल स्कूल के अंदर हम सभी धर्मरक्षक श्री राम सेना से और समस्त हिंदू संगठन से इकट्ठे हुए हैं, और हम यह मांग करते हैं कि यहाँ पे जो धर्म की शिक्षा दी जाती है और ये धर्म शिक्षा संविधान के विरुद्ध है, अगर संविधान इनको अगर इजाज़त देता है तो मदरसे के लिए देता है, स्कूल में नहीं। पर ये स्कूल के अंदर इस तरह की जो है धार्मिक शिक्षा देते हैं और सनातन को जो नीचा दिखाने का कार्य और सनातन हिंदुत्व के विरोध में जो है इस तरह के स्टेटमेंट देके बच्चों को गलत शिक्षा दी जा रही है, उसके विरोध में आज हम सब यही धर्मक्षेत्र इकट्ठे हुए हैं और मांग करते हैं कि इस यूनिवर्सल स्कूल को मान्यता रद्द की जाए, इसको बंद कराया जाए, ऐसी शिक्षिका के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की पुनरावृत्ति न हो, और हम सभी सनातनी यहाँ पे आज इसी काम से आज एक विषय को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आए हैं। आज द यूनिवर्सल स्कूल के अंदर हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों को हमारे ही धर्म के खिलाफ भड़काया जा रहा है, उकसाया जा रहा है, उनको गलत शिक्षा दी जा रही है। हम सभी धर्म का सम्मान करते हैं, अपनी अपनी शिक्षा का अधिकार सभी धर्मों का है। अगर आपको इस सनातन धर्म के विरुद्ध में कोई शिक्षा देनी है तो आप मदरसे में लेके जाइए, आप मदरसे में अपने बच्चों को पढ़ाइए। ये स्कूल शिक्षा का मंदिर है, यहाँ पर कॉमन शिक्षा होगी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी के लिए समान शिक्षा होगी, एक ही तरह की शिक्षा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके की शिक्षा इन बच्चों को दी जा रही है उसके खिलाफ आज पूरा सनातन समाज और सभी पेरेंट्स हमारे साथ हैं, हम सब आज यहाँ आए हैं। स्कूल के प्रशासन से हमने बात करी है, स्कूल सर का प्रशासन ये बोल रहा है कि हमने उस मैडम को टर्मिनेट कर दिया है। हम ये चाहते हैं कि स्कूल का प्रशासन उस मैडम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए। मुकदमा दर्ज कराने के तत्पश्चात हमने उनको ये मांग रखी है 7 दिन के अंदर आप जितने भी इस प्रकार के मानसिकता वाले जो स्कूल के टीचर हैं उनको आप टर्मिनेट कीजिए। 7 दिन के बाद PTM बुलाइए, सभी पेरेंट्स को बुलाइए, पेरेंट्स के सामने आप आगे क्या पढ़ाएंगे, स्कूल में किस तरह की शिक्षा देंगे, वो सारा ऑनलाइन होना चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है। शनिवार की घटना है, शनिवार को बच्चे स्कूल आए थे तो एक बोहरी मैम है, बोहरी मैम ने है ना बच्चों को अपने सनातन धर्म के लिए गलत गलत बोला, तिलक लगाने के लिए मना करते हैं, बच्चे लच्छा बांध के आते, लच्छा बांधने के लिए मना करते हैं, ये तो सब गलत है ना। प्रिंसिपल से हमें बच्चों ने और बच्चों ने क्या बच्चों को इस प्रिंसिपल ने क्लास में जाके दबा दी ये बात कि घर पे कोई भी जाके मत बोलना, हमने उस मैम को निकाल दिया, जबकि नहीं निकाला वो आ रहे हैं। कि जहाँ सामुदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश जो भी करेगा उसको हम बख्शेंगे नहीं। और स्कूल प्रशासन से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि जितने भी इन समाज के जो टीचर्स हैं उनको 1 हफ्ते का समय दो, हम हटा देंगे, तो हम विद्यालय परिवार में
कुछ गलत नहीं हो, इसलिए हम शांतिपूर्वक आज बात करने आए हैं। अगर एक हफ्ते के अंदर अगर ये हमारी मांगे को पूरी नहीं करेंगे तो इस स्कूल को बंद कराने की हिम्मत सनातन धर्म रखता है। वो बंद कराएंगे और बंद करा के रहेंगे अगर हमारी मांगे, क्योंकि हम नहीं चाहते एक सामूहिक सौहार्द बिगड़े और ऐसे सौहार्द बिगाड़ने वाले को हम कभी नहीं बख्शेंगे। 8 जुलाई को हमें बच्चों ने रिपोर्ट किया था, हमें बताया कि इस तरह की कोई घटना या सेंटेंसेस 7 तारीख को क्लास में कहे गए। हमने 8 तारीख को इंक्वायरी बिठाई और उसका पूरा हमने ब्यूरो लिया और इसके तहत हमने उस अध्यापिका को निष्कासित कर दिया था 8 तारीख को। और उसके बाद हमने पूरी देखरेख में ये एश्योर किया और ये देखा कि इस तरह की आगे फ्यूचर में कोई भी घटना ना हो। अभी जो ये सारे मुद्दे हमारे सामने रखे गए हैं, हम इस पर मैनेजमेंट के साथ मिलकर विचार करेंगे। अभी मैं आपको ऐसा क्या हुआ कि टीचर को इस बात होनी पड़ी, ये हम नहीं कह सकते। एक लेसन पढ़ाने के तहत ये जो भी हुआ उसमें वहाँ क्लास में क्या बात चल रही थी, किसके तहत ये कहा गया एकाद सेंटेंस, वो उसका मैं नहीं कह पाऊँगी कि किसके चीज़। बस सिंपल सा एक लेसन पढ़ाया जा रहा था जहाँ पर एक कन्वर्जेशन में कोई एक सेंटेंस किस कॉन्टेक्स्ट में उस समय चल रहा था वो मैं नहीं कह पाऊँगी। लेकिन अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर हमें बच्चों ने इस चीज़ की जानकारी दी तो हमने उसके तहत इमीजिएटली उस टीचर को मिनेट किया, जबकि टीचर नहीं कह रहा है कि इस तरह का कोई स्टेटमेंट था। फिर भी हमने बच्चों का मान, पेरेंट्स का मान रखते हुए और इस चीज़ के, और हमने कहा कि ये चीज़ हमने उन्हें निष्कासित कर दी। सभी की मांग ये है कि ऐसे में दूसरे जो गैर सनातनी टीचर हैं उन्हें भी निष्कासित करने की मांग करी है। ये एक व्यक्ति की सजा सभी की मुक्त है, ये मुद्दा अभी हमारे सामने इन्होंने लाया है। इस पर मैं अभी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दे सकती। हम मैनेजमेंट के सामने ये सारी बातें रखेंगे, जो भी आएगा उसका डिसीजन हम उस पर। आपने तो, आपके मैनेजमेंट ने तो 7 दिन का आश्वासन दिया है। हम इस पर इंक्वायरी करेंगे सर, हम इस पर विचार विमर्श करेंगे। इस पर हम अभी ये नहीं कह सकते, हम विचार विमर्श करेंगे। और हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम ये नहीं करेंगे या वो नहीं करेंगे, ऐसा कोई भी हम चीज़ नहीं कह रहे हैं। हम विचार विमर्श करेंगे। अभी जस्ट आपके सामने उन्होंने ये मुद्दा हमारे सामने रखा है, तो हमें कुछ समय तो चाहिए होगा इन सब पे सोच विचार करने के लिए।